हेलो स्टूडेंट्स मैं कुशल शर्मा आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस तो देखिए आज हम ट्वेल्थ क्लास में लॉगारथमिक डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं लोकारथमिक डिफ्रेंशिएशन क्या है एक्चुअली yeah. देखिए अभी तक हम पांच तरह के फंक्शंस पर काम करके आ चुके हैं पोलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल एंड लॉगारथमिक है ना अगर वो फंक्शंस मल्टीपल में क्वेश्चन में प्लस माइनस में कुछ भी आते थे तो हम उनको बड़े आसानी से डेरिवेटिव कर देते थे लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस पावर्स के फॉर्म में आ जाते हैं जैसे एक फंक्शन यहाँ है और एक फंक्शन इसकी पावर बन गया है समथिंग लाइक दैट ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में अब उनका डेरिवेटिव क्या किया जाए हमें अब तक इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं दी गई थी कि इनको हम डेरिवेटिव कर पाएं तो वहीं पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारी हेल्प करता है हमें क्या करना होता है कि हम दोनों तरफ लॉग जो है वो अप्लाई कर देते हैं जैसे हमने लेफ़्ट साइड में लॉगरिथमिक अप्लाई कर दिया और राइट right साइड में भी हमने लॉगरिथमिक अप्लाई कर दिया फिर उसके बाद हम लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है एक लॉग ऑफ ए और उस ए की कोई पावर है बी ठीक है लॉग ए ए की पावर बी तो ऐसे कंडीशन में ये जो ए है वो लॉग के बाहर मल्टीपल में आगे लाया जा सकता है तो ये क्या बन गया बी मल्टीप्लाई लॉग ए तो उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से अब ये जो जी एक्स पावर है एज ए फंक्शन है ना देखिए एक्स से बनी हुई है तो इसको हम आगे मल्टीपल में लेके आ सकते हैं और अब इसको देखिए बड़े आराम से हम u इन टू वी वाले तरीके से यानी मल्टीप्लिकेटिव लो से बड़े आराम से इसको कर सकते हैं देखिए इसको इनसे कंपेयर मत करना कि ई रेस टू पावर टू यहाँ भी बेस है यहाँ भी बेस है ये तो सिंपल सा था यहाँ हमारे पास जो पावर है वो वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है ठीक है एक एग्जांपल लेकर चलते हैं देखिए मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दे रखा है एक्स रेज टू पावर एक्स का ओके okay, बेस भी अपना वेरिएबल है और पावर भी अपनी वेरिएबल है ओके okay, दोनों जगह वेरिएबल होना चाहिए आपकी ये फॉर्म भी अप्लाई नहीं है इसका डेरिवेटिव तो आप ऑलरेडी करके आ चुके हैं क्या एज इट इज़ मल्टीप्लाई लॉग ऑफ बेस है ना दोनों जगह बेस में भी और पावर में भी दोनों जगह वेरिएबल होना चाहिए वो वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन कुछ भी हो सकता है अलग अलग टाइप के हम ट्राई करेंगे देखिए इनका डेरिवेटिव कैसे किया जाए और इसको तो आपको यूँ समझिए एक्स के पावर एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको याद भी होना चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अप्लाई लॉग बोथ साइड तो हमने लॉगर्थ में अप्लाई किया दोनों तरफ फिर हमने राइट right साइड में लॉग के जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया कि उसकी वैल्यू की जो पावर है वो पावर आगे आ गई ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वो लाइन लिखेंगे और डेरिवेटिव कर देते देखिए सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई एंड देन इस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा अब इस राइट right साइड में देखें तो यू इन वी है ना मल्टीप्लीकेटिव लो लगाना पड़ेगा तो देखिए फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाएगा फिर प्लस इस बार लॉग एक्स सेम और एक्स का डेरीवेटिव वन यहाँ एक्स एक्स आपस में कट गया क्या बच गया वन प्लस लॉग एक्स है ना और लेफ्ट साइड में वन बाई वाई डी वा डी एक्स लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें तो वैल्यू निकालनी है सिर्फ डी वा डी एक्स की दैट मीन्स कि लास्ट में आपको ये जो वाई है वो इधर शिफ्ट करना होगा और वो मल्टीपल में आएगा हमेशा आप नोटिस करोगे क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सही बात है मल्टीपल में ही आना है लेकिन आंसर हम इसमें नहीं छोड़ेंगे हमें आंसर छोड़ना है एक्स की फॉर्म में दैट मीन्स कि अब ये जो वाई है उस वाई की वैल्यू को हम इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे सो so, वाई की जगह आप इसको वन बोल दीजिए कह दीजिए फ्रॉम वन से वाई की जगह हमने ओरिजिनल फंक्शन यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया और ये आ गया अपना एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो आपको ये जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि एक्स के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पहले तो सेम और फिर उसके मल्टीपल में वन प्लस लोग एक्स ओके चलिए कोई और ट्राई करते हैं उससे थोड़ा सा और क्लियर हो गया इस बार हम बेस में <clears throat> मान लीजिए एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लेते हैं ठीक है और इसकी पावर ले लेते ले हैं चलिए खुद लोग एक्स ही ले लेते ले हैं अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले वही काम अप्लाई लॉग बोथ साइड दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये जो पावर है वो आगे मल्टीपल में आ जाएगी है ना इतना काम तो यूँ समझो देखो हर एक में करना है आपको ये स्टेप तो याद हो जाने चाहिए अब हम क्या करने वाले हैं डेरिवेटिव तो लॉक का वन अपॉन वाई फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर यू इन टू वी चलेगा तो देखिए फर्स्ट सेम सेकेंड का तो सेकेंड में पहले लॉग है लॉक का वन अपॉन साइन फिर साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मल्टीपल में कोस एक्स फिर एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता है तो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है प्लस इस बार सेकंड सेम लॉग ऑफ साइन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स राइट यहाँ अब हम कर लेते हैं इस वाई को सिफ्ट तो वाई इधर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई तो इधर क्या क्या बच गया एक तो लॉग एक्स और फिर मल्टीप्लाई में देखिए कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है कोटेंजेंट के तो कोटेंजेंट एक्स लिख लिया हमने और यहाँ हमारे पास क्या बन गया लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अब फाइनली वाई की जगह वाई की वैल्यू तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आंसर इसी तरह के लंबे लंबे फॉर्म में ही हमें देखने को मिलेगा इस बार मैंने लॉग एक्स बाद में लिख दिया बल की कोई कंपलसन नहीं है ऐसे ही लिख दिया गया अबाई अलग अलग फॉर्म्स जो है वो रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए तो ये देखिए आ गया अपना फ़ाइनल आंसर है ना आसान ठीक है हम लोगार्थमिक के काफ़ी जो यूजेस हैं वो पहले की एक्सरसाइज में भी बढ़ के आ चुके हैं तो उसी तरह का एक यूजेस ये भी है कि वेरिएबल यानी कि एक फंक्शन की फिर से पावर फंक्शन ही हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोगार्थमिक की हेल्प लेते हैं सो आई होप आपको ये जो लॉजिक है ये जो तरीका है वो समझ आया होगा सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल Thank you.